हाँ तो गोलू द कलर साइंटिस्ट, तो बेटा ऐसा क्या हुआ था उस दिन जिससे तुम्हारी जिंदगी कलर उड़ गए और तुम्हारे मुंह पे कालक फूट गई जिससे तुम्हारी जिंदगी झंड हो गई। वाह सर क्या जोक मारा है। जोक चल रहा है इधर। तुझे बताना चाहिए था ना कि 6 नंबर पे उसकी गोटी पिटने वाली है, 2 नंबर पे रख के हमने अपनी वाली पिटवा लिया। तो गोलू द कलर साइंटिस्ट, तो बेटे तुमने ऐसा कौन सा केमिकल मिलाया था उस कलर में जिससे कि 5 लोगों का फेस खराब हो गया, और मैंने सुना उसमें तुम्हारी प्रेमिका भी थी, तो तुम ये कैसे कर सकते हो, और ये सब करने के बाद तुम भाग भी सकते थे। सीधी तरह से बता दो, नहीं तो उल्टी तरह से निकालना हमें भी आता है। ये ऐसे नहीं बताएगा सर। ए मुझे बता तू, तू उन मासूम चेहरों को क्यों बर्बाद किया बता। इन छोटी मोटी चीजों से मैं नहीं डरता सर। ज्यादा दरोगागिरी कर रहा है, तुझे पता है गन रखना अपराध है, तेरे पास लाइसेंस है इसका? नहीं सर, सॉरी सर, ये पिचकारी है सर, ये बाल भी निकली है सर, होली चल रही है। तो सर मैंने इसको अपने हिसाब से समझा दिया है। अरे सर बैठिए ना सर, बैठिए ना सर, आप बैठिए, अभी ये केस मैं हैंडल करूंगा सर। सर और चाय पानी कुछ? 2 चाय। उठ साले, दरोगा तू है कि मैं? सॉरी सर। हाँ तो गुरु द कलर साइंटिस्ट, क्या हुआ था उस दिन? तो ये कहानी बहुत लंबी है सर, तो शुरू से शुरू करते हैं। एक कहानी है जमीला गांव की, जहां पीने को पानी नहीं होता था। जहां खाने को खाना नहीं होता था, लोग भूखे मर रहे थे। वहां के लोग इतने गरीब थे कि भीख मांग के अपना गुजारा करते थे। फिर उस गांव से एक इंसान उभर के आता है। कौन था वो? मोहन, मोहन द कलर पेंटर। Bring the action. फिर वो पेंटर इतना फेमस हो गया कि अंबानी के घर से कॉल आया राजमहल को पेंट करने के लिए। काम हो जाएगा। तू डर क्यों रहा है? तू डरा क्यों रहा है? उसके बाद उसने 24 घंटे मेहनत करके ऐसी पेंटिंग की जैसे कि कोई विमल खा के थूक दिया हो। उसके बाद क्या हुआ? तभी एक गांव का इंसान उसके पास दौड़ते हुए आता है जैसे कि उसकी 10 लाख की लॉटरी लग गई हो। उसके बाद क्या हुआ? आगे तुम खुद देख लो। मोहन, मोहन, क्या हुआ वहां तुम्हारी पत्नी? क्या हुआ मेरी पत्नी को? क्या हुआ उसकी पत्नी को? तभी तूफान को फाड़ते हुए, लहरों को चीरते हुए। एक मिनट, तुमने तो बोला था उस जमाने में पानी नहीं था। हेलो पापा, क्यों बेइज्जती करा रहे हो यार, उस जमाने में तो पानी नहीं था। अच्छा ठीक है ठीक। सूखी नदी में तैरते हुए, चट्टान को लांघते हुए, जैसे तैसे वो थका हारा अपने घर पहुंचता है। फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। धरा धरा
किसका बच्चा है ये? आपका बच्चा है। ए तू इधर आ, तुझे बताना चाहिए था ना। तो इस प्रकार जमीला गांव में एक बच्चे का जन्म होता है, यानी कि मेरा गोलू द कलर पेंटर। तो ये हुआ था सर। सर आंगी की स्टोरी चाय पीते पीते थोड़ी। अच्छा लोकेशन कैसी लगी गोलू? ठीक है सर। तो तुम्हारा बाप पेंटर था, तो तुम्हारा नाम गोलू द कलर साइंटिस्ट कैसे पड़ा? इसकी भी एक स्टोरी है सर। बताओ फिर। आगे देखो सर। तो इस प्रकार मैंने पंखे का आविष्कार किया। अच्छा तो बजाज की कंपनी दे रही है? नहीं, मैंने उनको अपना पंखा बेचा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये स्टोरी कहाँ की कहाँ जा रही है, ये तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा। पर सर मजा बहुत आ रहा है। दिलाऊं तुझे मजा? अबे दिलाऊं तुझे मजा? तू एक काम कर, 10 साल बाद से बता। ठीक है सर। आगे आप खुद ही देख लो। रंग बरसे भीगे चुनर बाली, रंग बरसे भैया 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 बोलिए ना मैडम जी, क्या चाहिए आपको? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरा हाथ छूने की? वो तो मैं चेक कर रहा था मैडम जी, ये सपना है या सच? इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहली बार देखी। करवाऊं तो ये चेक? तू डॉक्टर है कलर वाला? आप बोलोगे मैडम जी तो डॉक्टर भी बन जाऊंगा। है बनवाऊं तुझे डॉक्टर? अभी आइट साइड वालों बुला के ऐसे पिटाऊंगी ना, डॉक्टर भी नहीं पहचान पाएगा इंसान है कि जानवर। सॉरी मैडम जी, बताइए ना क्या चाहिए आपको? कलर दे दो। ये है मेरे पास मुर्गी छाप, इसको ले जाओगे तो बार बार आओगे, आपको एक के साथ एक फ्री भी दूंगा। नहीं पसंद नहीं आया। ये है बकरी छाप, ये बकरी के दूध से बना है, इसको आप डाल के चाय में भी पी सकते हो, चाहो तो चेहरे में भी लगा सकते हो, आप इसको लोगे तो एक के साथ फ्री फ्री। नहीं ये भी पसंद नहीं आया। काम करो मुझे वो पिंक कलर दे दो। जी मैडम जी। सुनिए ना मैडम जी, आपकी खूबसूरती के आगे तो ये सब कलर फीके हैं। I like it. मैं फिर आऊंगी। ऐसे ही वो 2-4 सालों तक मेरे पास कलर लेने आने लगी। उसके बाद तो बच्चा हो गया होगा। समझा लो सर इसे, बहुत ज्यादा ही बोल रहा है। नहीं मैं बताऊं तुझे उसके बाद क्या हुआ। आगे खुद ही देख लो। बताइए ना मैडम जी, आज आपको कौन सा कलर चाहिए? आज मैं कलर लेने नहीं लगाने आई हूँ। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था मैडम जी, लगाइए ना। अरे यहाँ नहीं, शाम को पुराने खंडर के पीछे मिलना, वहाँ लगाऊंगी। ठीक है मैडम जी, बाय बाय। Thank you.
फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूँ। मैं ऐसे पीऊंगा तो मर जाऊंगा, मुझे बदला भी तो लेना है। फिर मैं ऐसा केमिकल बनाता हूँ जिससे सभी का फेस खराब हो जाए। हो गया तैयार मेरा आविष्कार, मेरी बरसों की मेहनत कामयाब हो गई। डायनामाइट ऑफ द साइड स्प्रे। मेरी 10 सालों की मेहनत आज कामयाब हो गई। ये तो खतरनाक चीज है, आने दो उसे। आ गई। अब क्यों आई हो मेरी जिंदगी में, फिर से मेरी जिंदगी को बेरंग करने? तुम जैसा सोच रहा वैसा कुछ नहीं है गोलू, वो मेरा भाई था, मैं तो कलर तुम्हें ही लगाने वाली थी, पर वो आ गया, पर अब नहीं। हैप्पी होली। एक मिनट देना। तुम लोग सुनो। फिर मैं सभी के फेस पर केमिकल डालकर अपना बदला पूरा करता हूँ। तो ये सब हुआ था मेरे साथ सर। बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। यही वो स्प्रे था सर, डायनामो टॉक्सिसाइड। पढ़ लो यार। अरे समझ में नहीं आया यार, देखने तो तू ठीक रहने तो। पर ये सब करने के बाद तुम भाग भी सकते थे, तुमने खुद को सिलेंडर क्यों किया? अब भागूंगा सर। साइंटिस्ट को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।